बताओ पहला सवाल जो नहीं लगा है, चल रहा है लेकर दिए हो ना, हाँ तो बताओ तो बताओ सर जी बोले 132 से नहीं भाग कर पा रहे हैं, 18-12 क्लास है कहाँ लिए सर जी, सर जी समदुरुस्त वाला बोले तो यहाँ लिखो 132 भाग करो 18 से, हाँ समदुरुस्त वाला सर जी बताओ यहाँ लिखो, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, हाँ बोलो 122 से ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, नहीं एकदम नहीं, एक लोग बोलो वो तो हमको पता है, पहले 12-18 का लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला ऊपर वाला बोलो, गलत कर दिए क्या वाला, उसके बाद क्या लेंगे सरल सरल हो ना देखो एक और वाई के ऐसे हम संबंध ज्ञात कीजिए, हाँ बोलो ना, जो बिंदु कि जो बिंदु 3.6 और माइनस का 3.4 से समदुरुस्त है, हाँ देखिए कोई एक बिंदु है हमारा मान लो P, वो क्या है एक्स कॉमा वाई है जी सर, ये बिंदु क्या है एक बिंदु मान लो A है जिसका निर्णय कितना है सर 3.6, हाँ 3.6 दूसरा कितना है माइनस का 3.4, माइनस का 3.4 से समदुरुस्त क्या है समदुरुस्त है, तो बोल रहा है कि क्या करिए एक्स वाई में संबंध ज्ञात, यही तो सवाल था जी, अरे जब साफ साफ लिखा है कि समदुरुस्त है इसका मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी बराबर होगा है नहीं, ये देखो इसका निर्देशांक दे रखा है, इसका निर्देशांक दे रखा है, यहाँ दूरी निकाल लो ये दूरी निकाल लो दोनों को बराबर कर लो हल कर लो संबंध आ जाएगा, इससे आसान सवाल कौन हो सकता है, केवल एक लड़के के अलावा कोई नहीं लगा पाया, समझे लगाते हैं थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा लिखो पहले क्या प्रश्न नंबर कितना था बोलो फटाक से, प्रश्न नंबर 7 7 था, तो यहाँ लिखोगे क्या आंसर या हल लिखोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि बिंदु P क्या है पहले मानते हैं, माना बिंदु P क्या है बोलो एक्स कमा वाई है नहीं, और फिर दिया है क्या दिया है ए कितना है बोलो फटाक से 3.6 और बी कितना है माइनस का 3.4, माइनस का 3.4 है, ये सब दिया है लिख दिया है, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा इतना है नहीं, इतना काम सब में करेंगे, दिया है माना है जो मान रहे हो ये आंसर, कुछ लड़के ना आंसर लिखते हैं ना लाइन खींचते हैं कुछ नहीं करते हैं डायरेक्ट कहाँ कूदते हैं सवाल पर कूद जाते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या लुढ़क जाते हैं है नहीं, दूसरे स्टेप में लग जाते हैं देखो, फिर आगे क्या करेंगे फिर लिखेंगे चूंकि या प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पे, क्या लिखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु P क्या है ए और बी से समदुरुस्त है, तो लिखो बिंदु P क्या है P बिंदु A से क्या है समदुरुस्त है, बिंदु A और B से क्या है समदुरुस्त है, ये लिखना पड़ेगा वरना टीचर नहीं जान पाएगा तुम क्या किए हो वहां पे, इसलिए ए बी सॉरी क्या लिखा जाएगा ए पी की बीच की दूरी है नहीं बराबर क्या लिखेंगे बोलो पी बी की बीच की दूरी माइनस इधर बीच में तो जुड़ेगा घटेगा, उल्टा चिन्ह हो गया ना माइनस प्लस, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, तो बड़ा में से छोटा वाला घटाओ और बड़े वाले का चिन्ह रखो, गुरुजी देखो गुरुजी ए बराबर यहाँ 6 लिखो 3.6 लिखो यहाँ पे, हाँ यही माँ यहाँ ऊपर माने 6 तो है 3.6 ही लिखा है हम तो लिख लिए लिखो इसमें वीडियो में, चलो ठीक है हो गया, अब ये कंडीशन आ गया अब क्या लिखा जाए बोलो बोलो, अब ये ए है ये बी है बीच की दूरी निकाल लेंगे जी, तो बताओ बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है रूट में एक्स वन माने से, अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको मानेंगे एक्स वन इसको मानेंगे वाई वन जी, इसको मानेंगे एक्स टू इसको मानेंगे वाई टू इसको मानेंगे एक्स थ्री इसको मानेंगे वाई थ्री, अब बनाएंगे फार्मूला लिखिए डी फी नहीं बराबर ऐसे रूट लगाएगा फार्मूला वाला होता है, हाँ इसके लिए रूट क्या होगा बताओ
बराबर देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ x2 y2 y3 कहाँ गया, तो हम इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसके इसके x से इसके x को क्या घटाएंगे उसका वर्ग करेंगे और इसके y से इसको घटाएंगे उसका वर्ग करके रूट लगा देंगे, समझे। अब सारे मान भरिए तो बोलिए मान कितना आ रहा है। तो अब मान के साथ साथ क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दीजिए। वर्ग करने से क्या फायदा होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे सर इधर का वाइट ज्यादा आ रहा है, इधर का चमक रहा क्या जी सर, इससे चमक ज्यादा। हाँ आप ठीक है, इधर लाइट लग रही है ना सर जी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पल्ली सही चमक रहा है, माइनस माइनस लगा दो थोड़ा सा, अंधेरा माइनस माइनस प्लस सर जी, ये माइनस माइनस प्लस होगा और उसके बाद में प्लस को ये माइनस यहाँ भी है। हाँ सर जी, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये प्लस वही लगेगा। लगाओ हम बता रहे हैं, देखो वहाँ देखो इसमें देखो कैमरे में सही आ रहा है, चमक रहा है, बेस लग रही है ज़्यादा ही, कुछ लप 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 दिखा देना है गुरु जी, यहाँ पर बीच में जहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ वहीं लगाओ, वहाँ लगाओ यार, हेलो उस वो कोने में लगाओ, कोने में सर जी अब आ रहा बिल्कुल। अरे अरे गांठ लगा दी हो क्या सर जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा सर जी, यहाँ पर माइनस लगा दें। हाँ सर जी ये हाँ 11/12 हो जाएगा, और प्लस सर जी ये कहाँ, कौन प्लस, वो प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, देखो दोनों पक्षों का वर्क करने पर है नहीं, अब आ रहा देखो अब सही आ रहा होगा, देखो तो हाँ धुंधला भी आ रहा है, लगाया से चलो ये सवाल लगाते हैं फिर पीछे लगाएंगे उस पर नहीं हुआ ऐसा। देखो यहाँ अगला स्टेप क्या, अरे यार माने भर कर दिए, चलो अभी मान भरो यहाँ पे, तो बोलो कितना कितना मान है, ये वर्क कर दिए हो, वर्क कर दिए तो x1 का मान कितना है बोलो 3, x2 का मान x इसका स्क्वायर, y1 का मान 6, y2 का मान y इसका स्क्वायर, अब बराबर में बोलो इक्वल में क्या लिखा जाएगा, इक्वल में x2 का मान, x2 का मान कितना है x और y3 का मान 4 3 सॉरी उसका x3, x3 का मान माइनस का 3 तो प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y y2 का मान y है नहीं, और फिर y3 का मान कितना है 4 है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हल करेंगे आंसर आएगा। देखिए कि इसको हल करिए, ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का रूट ना है गुरुजी लगाया, तो ये कौन सा रूट हटा नहीं, वर्क करने के थे अभी दोनों पक्षों का वर्क, देखिए 9 और यहां x स्क्वायर और माइनस का आएगा 6x, ये आएगा 36 माइनस का प्लस का y स्क्वायर और 6 दूना 12y आ जाएगा यहां पे, और बराबर में देखो क्या आएगा, ये x स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6x और प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 16 आएगा और माइनस का कितना आएगा 8 वाई, इतना आ गया। देखिए जब दो चीजें लिखी हो इक्वल में हो है नहीं, और उसमें से कुछ टर्म क्या हो बराबर दिख रहे हो, सेम सेम अमाउंट में दिख रहे हो, सेम साइन दिख रहा हो, तो उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि उसका मान एक तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, दोनों बराबर में लिखे हुए है नहीं, इधर इस साइड है उस साइड है, इसको x को इधर लाएंगे x स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हट गया, नाइन भी है, और ये वाला ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये भी हट गया, और ये नाइन और नाइन भी हट गया है नहीं, मतलब जीरो हो गया, वो कितना कितना बचा उसको सब एक तरफ ले आओ, छः तो देखो माइनस का छः एक्स
कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते छे एक्स, यहाँ देखते छे एक्स, काट देते हैं, काट देते हैं, काटेंगे नहीं, प्लस माइनस उल्टा चिन्ह है, उल्टा चिन्ह है ना, काटेंगे नहीं। अब देखो माइनस का छे एक्स और माइनस का छे एक्स कितना हो गया, माइनस का बारह एक्स। अब देखो छत्तीस और कितना है माइनस का सोलह, कितना बीस हुआ ना, तो पहले वाई से निपटते हैं। देखो माइनस का बारह माइनस का आठ कितना हुआ, माइनस का बीस वाई, प्लस का नहीं उल्टा चिन्ह आएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, दोनों पक्षों में क्या किया जाए, माइनस चार से भाग करने, माइनस चार से भाग कर दे, तो देखो ये प्लस कर देगा, ये प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो अगला क्या स्टेप आएगा, देखो यहाँ आएगा थ्री एक्स प्लस का थ्री वाई प्लस का फाइव वाई प्लस का 5y, अब प्लस का कितना आएगा 5 बराबर, माइनस का 5 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। सर ये बराबर में लिखा है ना, नीचे नीचे यहाँ सर, ये जो स्टेप लिखे हैं ये स्टेप इधर, ये इधर, ये हाँ ये नीचे ये आना चाहिए ना, ये वाला हाँ यहाँ नीचे आएगा, हाँ, लगा तो दिया इम्प्लाइज यहाँ पे, इसीलिए जुड़ेगा, सेम चिन्ह हो, सेम चिन्ह हो गया, देखो माइनस माइनस जुड़ेगा यहाँ पे, माइनस का पंद्रह माइनस का जुड़ गया। देखो अगर सेम चिन्ह दिखे तो जोड़ना, अगर उल्टा चिन्ह दिखे तो घटाना, और घटाने के बाद चिन्ह उसी का रखना जो बड़ा हो, बस यही है। अरे जैसे देखो यहाँ भी एक सवाल दो, हाँ ये देखो उल्टा चिन्ह दिखा, यहाँ माइनस दिखा, यहाँ प्लस दिखा, तो क्या करेंगे घटाएंगे, चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े बड़े वाले का, तो बड़ा क्या माइनस होता, माइनस रख दिया यहाँ पे, अगर ये बड़ा होता तो इसका चिन्ह रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो सेम चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, चिन्ह किसका रखेंगे, प्लस का रखेंगे, वही चिन्ह जो है तुम्हारा, ये माइनस आएगा, लाइट मार रहा है ना, लेकिन दिख रहा है अरे यार ऐसा सेट की होगी, आधा का जो है मुंह ऊपर है, आधा नीचे है यार, कैसे कैमरामैन बनोगे ये कैसे, अबे शादी हो तो पूरा बकायदा जो है ऐसा ऐसा सेटिंग करोगे उसमें, जो है ये लग रहा है तुम्हें फोटोकार है ये हो, यहाँ से मस्त आ रहा है बिल्कुल यार, इर्था तिरछा से मतलब थोड़ी नहीं है, साफ आना चाहिए मामला अरे दूल्हा जब खड़ा होता है तो दूल्हा कहाँ कहाँ से फोटो लेते हैं पता है, धीरे से पूछो, एक गाँव से लेता है, एक बाहर नहीं, एक ऐसे लगता है, हाँ ये लगता है, लगता है जमीन में सो जाएगा साला, है नहीं है ऐसे लेट कैसे ले, है नहीं, अलग अलग पोज में लेता है भाई, पोज बोलते हैं जी, नीचे से इसलिए लेता है क्योंकि उसकी लंबाई कम, अब देखो ये है इधर से लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, अब इधर से लिखेंगे ऐसे, अब इधर लिखते होगा बटा 18, ठीक है सही, ऐसे करो उसी में सवाल लगा, और आगे बोलो कौन सवाल नहीं लगा, जो सब बता रहे हो ना गुरु जी, यही आंसर है गुरु जी, हां तरीका बताया जाएगा भाई, हां अब छपवाया नहीं जाएगा, छपवाने टाइम गया, अब जो है प्रोसेस बताया जाएगा कैसे प्रोसेस करना है, सर जी ये बता दो सब, कौन से क्वेश्चन लगा, सब बताओ, सभी सब बताओ, सब बता, एक को नहीं लगाया, एक लगा रहे हैं, देखिए कितना सिंपल सवाल है, हम सवाल करवाए थे, कौन सवाल करवाए, पहला 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 तो पहला हो गया हमारा, चलो पहले शुरू करते हैं, देखिए पहला सवाल है, पहला नंबर सवाल सर, हाँ लिखा है tan थीटा, हाँ प्लस का cot थीटा बराबर cosec थीटा बुढ़े में sec थीटा, देखो ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट लिखा है, प्रूफ डेट है नहीं, बोलो मत है नहीं, बोलोगे तो मामला पिक्चर बिगड़ जाएगा, फिर पिक्चर अच्छी आएगी नहीं, है नहीं, ये हमारा सवाल है, बहुत लड़के लगाए हैं सवाल को, तो पता क्या किया है, डायरेक्ट ये लिखे हैं, ना लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड, उससे कोई मतलब नहीं इनको, है नहीं, और क्या लाना है, और जबरदस्ती उसको ला दिए हैं, क्या ला दिए हैं, सेक कॉसेक थीटा सेक थीटा, जबरदस्ती लाए हैं, उनको लग रहा था कि जो है टीचर जो है कॉपी जो है इलाहाबाद चेक हो रही है, याद है यार, क्या लिखेंगे लोग, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन या हल लिख दो, ऐसे ही हो गया, अब लिखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करना है ना, लिखो लेफ्ट हैंड साइड, आपको अगर इधर से करना है तो इधर करिए, लेकिन इधर से करना थोड़ा कठिन हो जाएगा।
जितना आप सोच नहीं पाएंगे। तो कहाँ से करिए यार, जहाँ से आपको आसान लगे, है नहीं? ये क्या लिखा हुआ देखो, लिखा है टेन थीटा, और क्या लिखा है? प्लस का कॉट थीटा। तो ये लिखा है टेन थीटा, प्लस का लिखा है कॉट थीटा। हाँ, तो हमने बताया था कि अगर सवाल आपका अगर साइन कोस में नहीं है, उसको हल कर कुछ लाना है, तो पहले कोशिश करिए, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे कुछ, तो उसको किस में लाइए? साइन कोस में लाइए। बुझा दे धीरज ना। जी सर। ओ धीरज थोड़ा देख लो। अरे तो क्या होगा, अब दर्द हो रहा है कि अरे यार लगा लिए होते दो नंबर और बढ़ जाता है। साइन थीटा बटे क्या होगा बोलो, कॉस थीटा। ये क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा कितना आसान सवाल था, थोड़ा सा खोलते दूसरे में दिख जाता आंसर। अब बताओ क्या करें धीरज? ताता गुरु जी सर गुणा कराएंगे, इसको लाशा ले लेंगे, यानी क्या कैंची गुणा कराएंगे, गुणा करा लेते हैं। देखो इसको इससे गुणा कराया कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे कराया कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आपस में गुणा करो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा। इसको देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो ये लिखेंगे एक तो दिखाएंगे सर समीका से, इसका मान कितना होता है, एक होता है। यानी तभी नंबर मिलेगा, फोकट का नंबर नहीं देगा टीचर। अरे कुछ लिखा होना चाहिए अच्छा खासा। अब देखिए क्या नीचे बचाया आपके, कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा। अरे ये 1 बटा कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता है। अब ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब क्लिक करा 1 बटा साइन थीटा। अब ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है जी। कितना सवाल आसान था। ये सर हम लगाए, ये राइट हैंड तुम लगाए थे सर जी, हम भी थोड़ा लगाए थे। हां तुम भी लगाए थे, भूल नहीं गए थे, भूलने की बीमारी हो गई है तुम्हारी, मैं बता रहा भूल गए थे। अभी टेढ़ा वाला हो तो नहीं भूलोगे ना, और जो है किसी की शादी बारात हो तो नहीं भूलोगे हैं गुरु जी। अभी मिटाए ना। हाँ प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया गुरु जी। टेस्ट अब सुबह टाइम लिया करो, शाम को नहीं। दिक्कत है तो टेस्ट मत दो ना, क्या दिक्कत है, सुबह टाइम सुबह होगा तो पढ़ाएंगे क्या भैया, तुम्हारे अनुसार नहीं ना हो पाएगा जैसे तुम चाहोगे। तुम सोच रहे हो कि हमारा कौन सा हो जाए, खेतों वाला काम हो जाए, सेटिंगों वाला काम हो जाए, है नहीं, सारा काम हो जाए साथ में, तो एक एक काम होगा, या तो सेटिंग वाला काम होगा, या तो पढ़ाई होगा, या तो खेत वाला काम होगा, या तो सुबह को टेस्ट लिया तो सब काम हुई जी। हाँ बाजार का काम होगा, कौन सा चाट टिक्की वाला बढ़िया समोसा वाला लगा देगा, कल नहीं हो पाया इसीलिए कह रहे हैं। हो गया गुरु जी बताओ दूसरा क्वेश्चन तो पूछना है। बोलो टेस्ट का समय बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ये, उस टाइम टेस्ट दोगे तो आराम से पढ़ भी सकते हो। अभी टेस्ट पूछ पाते ये सवाल नहीं पूछ पाते ना। हाँ हो गया। हाँ सर और बताओ दूसरा, दूसरा तीसरा सब दूसरा तीसरा सर जी ये करें। हाँ करो और क्या बता लग गया। यार हम बड़ा परेशान हैं घर वालों से यार, देखो हम पढ़ा रहे हैं आप दतून हो रहा है। चलो देखो यार वन माइनस क्या है लिखो बताओ। वन माइनस कॉस थीटा कॉस ए। अब बटन क्या है, बटन है साइन ए। ये लिखो प्रूफ है, नहीं प्रूफ करना है इसको। वन माइनस कॉस ए बटन क्या है, साइन ए। साइन ए और क्या लाना है, बराबर में लाना है सर, बराबर में लाना है साइन ए। साइन ए प्रूफ करना है तो यहाँ शुरू करें, या तो यहाँ शुरू करें, यहाँ इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। अब जिधर से तो बताओ उधर से लगा देंगे सर, इधर से ही इधर से लगा लेफ्ट ही से। तो लेफ्ट इधर इधर होता है, लेफ्ट इधर इधर बोलो ना ऐसे ऐसे बोला ऐसे का ऐसे हां लेफ्ट 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 से लगाते हैं ना, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा देखो, 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, और बटे में साइन ए। यहां देखो थोड़ा पिक्चर अलग है, पिक्चर तो अलग है, पिक्चर अलग क्या है, या इसके बाद दो स्टेप से सवाल कर सकते हैं, या तो इसको साइन साइन से ऊपर गुणा कर दें, समझे, इसको इस साइन को देखते हुए है नहीं, ये साइन दिख रहा है, इसको देखते हुए इसको साइन साइन से गुणा कर दें तब भी हो जाएगा,
एक तरीका है, दूसरा इसको क्या कर ले, इसी अंश का परिमेयीकरण कर दें। अब तक हर का करते थे, अब किसका कर दे, अंश का कर दें, है नहीं। इससे करने से क्या फायदा, तो वन माइनस कॉस ए है, जब अंश का करेंगे तो क्या क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो चिन्ह क्या है, माइनस है जी। तो आप किससे गुणा करेंगे, वन प्लस कॉस ए से। तो देखो ये नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस ए आ जाएगा, अधिक विराह लाना है हमको, है नहीं। दोनों तरीके से कर सकते हो, तो किससे करें, साइन साइन से गुणा करें, है नहीं। तो ऊपर नीचे क्या करें, रुक जाओ थोड़ा सा, तुम रुक जाओ, कॉस ए और लिखा है साइन ए, इसको क्या किया, यही कर देते हैं यार, फिर कहा है लिखे हुए, है नहीं। तो ये देखो क्या हो गया, नहीं ये भी सवाल उतारे हैं यार, सवाल उतारे हैं ना, तो साइन स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या, साइन स्क्वायर नहीं, साइन ए, साइन ए, अरे तो साइन से गुणा तो किए हैं, ऊपर तो स्क्वायर में चला जाएगा, गुणा दे दिया तुरंत, गुणा कह ही दिया, हां दूसरा स्टेप में। अब बताओ आगे क्या होगा, क्या होगा अब, इसको देखते हुए हमको याद आना चाहिए कि इसको भी थोड़ा चेंज कर लें, ये परेशान है नहीं, तो चेंज करो इसको, किस में चेंज किया था, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन, ये वन माइनस कॉस ए, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, वन माइनस का क्या, कॉस स्क्वायर ए, हाँ, लिखेंगे, और ये साइन ए भैया आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि इनको तो आना ही है नहीं, ये तो फिक्स आ गया, इनका आ गया है, एक स्टेप आ गया है जी। आगे बताओ क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, आगे से तो ये स्क्वायर है, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर है, तो लिख के क्या फायदा होगा, वही तो उसी से तो लाए हैं, उसी से लाए हैं, तो वही लिख दोगे तो दोबारा पीछे नहीं चले जाओगे, उतार रहे हैं, सोचो जो दिमाग लगाओ, है नहीं, क्या रूट में कर ले, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लाना, प्लस में लाना है ना, तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ऊपर जो लिखा है वन माइनस, क्या लिखा है, कॉस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहाँ के, वन साइन ए है नहीं, और देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे नीचे लिखेंगे वन प्लस क्या, वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, हाँ वन माइनस कॉस ए जी, वन माइनस कॉस ए कट जाएगा, हाँ वन प्लस कॉस ए कट जाएगा, प्लस का साइन ए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा क्या बचा है, क्या बचा है, साइन ए बटे में वन प्लस कॉस ए, हाँ साइन ए बटे में क्या बचा है, वन प्लस कॉस ए, यही हमको लाना था, ये क्या है, राइट हैंड साइड प्रूफ, ये हो गया, प्रूफ हो गया आपको। अब देखो इसी सवाल को घर लगाना, आप उतारो मत, घर सर जी हो गया बस थोड़ा ही, अरे फिर बताना सर, घर लगाया है, उतारने लग गया है, आप बिचारो सर, घर लगाई बजे सर जी, नाइट जी तो बिचारो सर जी, बिचारो का वाल मिलते रहे, वाल मिलता नहीं है गुरु जी, ये साइड में सर जी, चलो नोट कर लेना, फार्मूला ये ना जो पता हो, चलो दूसरा स्टेप देखो, यहीं पे यही दूसरा देखो कैसा लगेगा, लिखा है वन माइनस कॉस ए, अब बटन क्या लिखा है, साइन ए जी, मेरे सर जी दूसरा स्टेप, हाँ वही दूसरा मेथड बता रहा ना, अब लिखो अंश का परिमेयीकरण करने पे जी, हाँ तो देखो क्या करेंगे, ये वो थोड़ी ना कुछ करेगा, ये तो ऐसे रहेगा, ये होगा प्लस का कितना, 5/9, ये वाला माइनस, इसको प्लस कर देगा, कर दो, तो बताओ अंश का परिमेयीकरण तो करो कितना आएगा बताओ, तो ये वन माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉस ए, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, वन प्लस माइनस का कॉस, सॉरी वन प्लस कॉस ए, नहीं तो इसी हिसाब से दो स्टेप में खत्म हो जाएगा सवाल, मतलब दो ही स्टेप में आ जाएगा, दो स्टेप में राइट हैंड आ जाएगा। देखो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे सर, वन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए, वन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है, बटे में सर साइन साइन ए, वन प्लस कॉस ए, और लिखा है वन प्लस, हाँ उधर लिखने से जरूर अच्छा नहीं है, चमक रहा है ना, देखो यहाँ पे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए जी, हाँ सर वन प्लस, यहाँ देखो साइन ए है जी, बटे में वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, तो यहाँ एक साइन कट जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, तो यही लाना था हमको जी, साइन साइन ए बटे में वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए यही लाना था ना जी सर, अरे उसी यही से लगाए हैं, चलो दो तरीके से लगाए, घुमा से ना लगाए, नहीं इधर से भी लग जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, अरे
कहो तो और विधि से लगा दे सर जी, इतना तो खींच ला रहा है, इतना तो खींच ला रहा निकला आगे ना समझ में आ रहा है चलो ठीक है हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला आप सर तीसरा नंबर बता दीजिए बताओ तीसरा बोलो तीसरा लिखे वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन बराबर सिद्ध करना है sec थीटा माइनस का 10 थीटा का होल स्क्वायर sec थीटा इनटू माइनस 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 का 10 थीटा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर बहुत सुंदर सवाल है। चलो इसको चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो आंसर तो आना ही आना है। लेफ्ट से ही करें लेफ्ट से करोगे जी लेफ्ट लेफ्ट से किया जाए चलो लेफ्ट से करते हैं। अब तुम बोल दो लेफ्ट से किया जाए देखो सर हम बोल दिए और क्या हमारी पेपर में ऐसा तो इधर से आ जाता है इधर उल्टा सीधा करो। अरे सीधा करना है भैया केवल बराबर दिखाना है एक दूसरे के बराबर दिखाना है। देखो यहां पे प्ले हो गया प्ले हो गया ना देखो तो ये सवाल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा कैमरामैन देख रहे हैं 1 माइनस अरे यहां देखो यार 1 माइनस sin थीटा ये 1 प्लस क्या है sin थीटा sin थीटा तो हमने बोला था जब भी अगर सेम चिन्ह दिखे जी और सवाल में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे जी। तो क्या लिखोगे हर का परिमेयकरण करने करने पर हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर करो कितना आ जाएगा देखो यहां पे 1 sin sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी सर और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हमने सारे स्टेप खा लिए जी जी समझ में आ जाएगा जी सर समझ गए। अब देखो यहां पे ये लिखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बताओ यहाँ क्या आएगा यहाँ पर सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है जी। तो क्या हम लिख सकते हैं आंख बंद करके 1 माइनस साइन थीटा अब बटे में क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर जी सर ले हो गया जी सर है नहीं ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे किसको अलग अलग करेंगे इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 1 बाय कॉस क्या होता है 1 बाय सेक 1 बाय कॉस सेक होता है सेक होता है ये क्या होता है ये 10 होता है 10 होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बस यही लाना है ले चाहती बेटा इधर क्या पढ़े मैं बड़ा दिन बाद मिला ये तो आज रस रस नहीं छोटे गुरु सेम चिन्ह वाला घट जोड़ लो 16 42 जोड़ लो और फिर जब क्या 16 42 जोड़ो तो प्लस